तो भीड़ से अंदाजा लगा सकते हो यार कितनी फेमस जगह है। भीड़ देख रहे हो आप लोग? ओ भाई नंबर, मुझे लग रहा नंबर ही नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरे व्लॉग्स के सफ़र में खुश आमदीद। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यार आप मौसम देख सकते हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। इससे पहले जून में बिल्कुल भी बारिश नहीं पड़ी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। और गर्मी को ही लेकर के हमने एक व्लॉग शूट किया था, बड़ा ही मज़ा आया था उस व्लॉग में, एक पिकनिक व्लॉग था। तो उसका थंबनेल आप देख सकते हैं, ये है। अगर नहीं देखा है तो उसको जाकर के देख लो, आप भी यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं, बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पर। तो आई होप ये वाला व्लॉग आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आज मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इस लिहाज से मैं सोच रहा हूँ एक बहुत ही पुरानी जगह विज़िट करने की, गाज़ियाबाद के अंदर, जो कि काफ़ी पुरानी है और काफ़ी फेमस है। तो वहाँ पर हम जाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर जाने का इसी मौसम में ज़्यादा मज़ा है। गर्मी में तो बुरा हाल हो जाएगा, तो मौसम अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है ना, झरना सा पड़ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, हवा भी अच्छी चल रही है। आगे बढ़ते हैं। तो स्कूटी निकाल ली थी हमने और हम जाने के लिए तैयार। वक्त पे बिना बर्बाद करते हुए चलते हैं, निकलते हैं। त्यागी इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का यहाँ पे उद्घाटन है आज हमारी कॉलोनी में। तो आगे रेड लाइट हो रही थी, हमने यहीं से लेफ्ट, तो हमने सर्विस रोड ले लिया। तो हम पहुंच चुके थे पेट्रोल पंप और पेट्रोल भरवाना है पहले। तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, यहाँ का मैं पहले ब्लॉग ले चुका हूँ। यहाँ पर दवाइयाँ फ्री में मिलती हैं और देसी दवाइयाँ होती हैं, तो आप उस ब्लॉग को चेक कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो गाइज हम आ चुके हैं गाज़ियाबाद पुराने बस अड्डे, और इधर की साइड है पुराना बस अड्डा, ये यहीं पर है, यहाँ से बस निकल रही है। और यहाँ से थोड़ी सी आगे, यानी कि 200-300 मीटर आगे वो जगह है जिसका नाम है सयाजी पूरी वाले, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अब देख लो हम पहुँच चुके हैं गाज़ियाबाद और सारी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। मौसम देख सकते हो बड़ा खूबसूरत है, मज़ा आ रहा है। लास्ट टाइम भी इसी मौसम में आए थे हम लोग, बारिश हो रही थी। एट द एंड हम पहुंच चुके हैं सयाजी पूरी वाले, और दुकान जो है मार्केट के अंदर है। यह है मालीवाड़ा रोड। तो भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हो यार कितनी फेमस जगह है। भीड़ देख रहे हो आप लोग? ओ भाई नंबर, मुझे लग रहा नंबर ही नहीं आएगा। तो मेरा तो देख देख के पेट भर गया, आई थिंक मुझे मिस्टर इंडिया बन जाना चाहिए। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, थोड़ी देर बाद आएंगे, पब्लिक बहुत ज़्यादा है और मुझे नहीं लगता कि अभी नंबर आ पाएगा। तो यार भीड़ तो देख ही चुके हो आप कितनी ज़्यादा है। हम अंदर से थोड़ा बाहर आ गए थे, क्योंकि भवका भी हो रहा था और भीड़ भी हो रही थी, थोड़ा बाहर की साइड ही बैठ करके वेट कर रहे हैं, उसके बाद अंदर जाएंगे। और यार भीड़ देख करके आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ का ब्रेकफास्ट कितना लजीज होता है और कितना फेमस है। ये काफ़ी पुरानी शॉप है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही गाज़ियाबाद की सबसे ज़्यादा फेमस शॉप है ये। और सबसे ख़ास बात है ये वेजिटेरियन है। एग्जैक्ट लोकेशन बता देता हूँ, गाज़ियाबाद पुराने बस अड्डे से मालीवाड़ा रोड पर नैनीताल बैंक के जस्ट सामने है ये, और यहाँ पे सामने ही फल मंडी और सब्ज़ी मंडी भी है यहाँ पर। फाइनली संडे में आना गलती थी हमारी, संडे में आए तो ज़रा सोच समझ के आए, 1 बजे के बाद आना संडे में। और गर्मी हो तो बिल्कुल भी मत आना, गलती से ही मत आना, क्योंकि अच्छा खासा ठंडा मौसम है, उसके बावजूद भी पसीना छोड़ रही है पब्लिक। यार रायता आ चुका है,
ये ठंडा है बर्फ़ का, इसमें बड़ा मज़ा आता है, ये मेरा फेवरेट है यहाँ पूरी। और गाइस ये देखो बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी चौड़ी चौड़ी प्लेट आ चुकी है हमारी। ये आ गया पेठा, ये पेठा आ चुका है। अभी इसमें आलू पूरी मिर्च आनी बाकी है, उसका वेट कर रहे हैं हम लोग क्योंकि आज भीड़ ज़्यादा है। बैक टू बैक सब चीज़ आ रही है यार। भैया इसमें भी, इसमें भी चार भैया आराम से रखना मेरे वाले में, तो दो दो चार और एक पाँच। भैया मिर्चें रहेगी, मिर्चें और भिजवा दो, मिर्च रहेगी अभी, बिना मिर्चों के मज़ा नहीं है। अंकल जी कहाँ बता रहे थे आप? इंद्रपुरम में सिंगला स्वीट्स। क्या? सिंगला स्वीट्स, सिंगला स्वीट्स। अच्छा तो यार भीड़ बहुत ज़्यादा थी और गर्मी तो नेक्स्ट लेवल है। एट द एंड खाना खा चुके हैं हम लोग, लेकिन पसीने पसीने बहुत गर्मी है तो बस नॉर्मल खाना खा लिया है बस। बाहर का मौसम बहुत ठंडा है मगर, और अभी पब्लिक कम नहीं हुई है कुछ, यहाँ तो बारिश हो रही है और अंदर पसीने की बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी भीड़ की वजह से, भवका बहुत ज़्यादा हो रहा था और थोड़ा स्टाफ भी नहीं था तो आज इस वजह से थोड़ी ज़्यादा भीड़ थी। वैसे इतनी भीड़ होती नहीं है, काफ़ी टेस्टी लगता है यार खाना क्योंकि हम नॉन वेज के ज़्यादातर शौकीन हैं। अगर वेज में मैं शौकीन हूँ किसी चीज़ का तो वो ये है सयाजी पूरी वाले, तो इसका इस्तेमाल हम अगले व्लॉग में दिखाने वाले हैं। कोयला है ये और गाज़ियाबाद ओल्ड मार्केट आए हुए हैं। तो ये है रामतेराम रोड और ये गाज़ियाबाद की पुरानी मार्केट है। आप पीछे जाएंगे तो घंटा घर है और तुरावनगर मार्केट मिल जाएगी, उसका मैं सेपरेटली व्लॉग लूँगा बाद में। पर अभी फ़िलहाल हम ख़रीदने आए थे कोयला क्योंकि बकरीद नज़दीक आ रही है और हम लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग करना है तो उसके लिए आए थे। और ऐसी बारिश में सैर करने का अलग ही मज़ा है। तो सर तो पूरे भीग चुके हैं और मैं भी पूरा भीग चुका हूँ। घंटा भीग गया बाइक में, स्कूटी तो मैंने चलाई है। नहीं जू देखो यार यहाँ से भीग गया। चलो 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 अंदर चलो। तो फाइनली गाइज हम घर पहुँच चुके हैं। अगर आप लोग गाज़ियाबाद जाते हैं तो सयाजीपुरी वाले विज़िट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है वो, काफ़ी अच्छा खाना है यार वहाँ का, बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आया खाने में बहुत ज़्यादा। और विज़िट करना बहुत ज़रूरी, और नए व्लॉग में मिलेंगे और बहुत अमेजिंग व्लॉग होने वाला है बिकॉज हम उसकी तैयारी अभी से ही कर रहे हैं और बहुत अमेजिंग रहेगा यार। तो यार चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बाय बाय, और लाइक भी कर दो। हाँ लाइक कर दो प्लीज़, कर दो ना।